रहमान रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करेक्टर टाइप एरे को, उसकी इनिशियलाइजेशन एंड आउटपुट को और इनपुट के बारे में बात कर रहे होंगे। इससे पहले हम एरे को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने बात की है कि एरे आपके पास कंजेक्टिव मेमोरी होती है सेम डाटा टाइप्स की। डिक्लेरेशन हमने देखी है एरे की किस तरीके से की जाती है, स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह से। और हम अब तक जिस एरे को डिस्कस कर चुके हैं उसमें न्यूमेरिक डाटा टाइप की एरेज शामिल हैं, यानी इंटीजर या फ्लोट टाइप की एरेज। और हमने इनपुट आउटपुट डिस्कस किया उनका, उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्टिंग या सर्चिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई किए हैं। और इनपुट और आउटपुट के बारे में बताता चलूं कि हमने अब तक जो इनपुट आउटपुट की बात की है वो यूजिंग लूप कर की है, यानी हमने ये बात की है कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप एरे होगी उसके में अगर हम इनपुट या आउटपुट लेंगे तो उस इनपुट आउटपुट के लिए हमें कुछ इस तरीके से लूप मेंशन करना पड़ेगा। तो आज की इस लेक्चर में हम ये देख रहे होंगे कि आया हमारी करेक्टर टाइप एरे है उसको भी इनपुट या आउटपुट के लिए किसी लूप की ज़रूरत है या नहीं है, और उसकी इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, साथ में आउटपुट को डिस्कस करेंगे, इनपुट को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें जो पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं उसमें सी इन, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है अपने पूरे लेक्चर के दौरान कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सी इन एरे ऑफ आई, यानी जब हम इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जब मैं एरे का डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरे के लिए, इस न्यूमेरिक टाइप की इंटीजर टाइप की एरे के लिए मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम करेक्टर एरे को देखते हैं कि आखिर करेक्टर एरे है क्या। जिस तरीके से हमने एरे की डेफिनेशन देखी, हमने क्या बात की कि एरे कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेशन है, तो इसी तरीके से आपके पास करेक्टर एरे भी ऑब्वियस बात है कि कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेशन होगी, पर वो किस तरह की होगी, करेक्टर टाइप की होगी। तो हमें करेक्टर एरे कहाँ यूज़ करनी है, अभी तक जो हमने बात की है स्टूडेंट्स उसमें करेक्टर डेटा टाइप में हमने एक सिंगल मेमोरी को डिस्कस किया है। सिंगल मेमोरी से मेरी क्या मुराद है कि अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास एक करेक्टर है 4C लेट से, और 4C के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक करेक्टर आ गया, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं सिर्फ एक करेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन का नाम स्टोर करना चाहता हूँ तो फिर मैं एक करेक्टर, क्योंकि एक नाम के अंदर मेरे पास मल्टीपल करेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर मैं एक सिंगल मेमोरी को प्रेफर नहीं करूंगा, मुझे एक एरे चाहिए होगी, एरे ऑफ क्या चाहिए होगी, करेक्टर्स चाहिए होगी। लेट से हम कहते हैं कि हमने नेम अब्दुल्ला को स्टोर करना है इन सम मेमोरी, तो हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, अब्दुल्ला ऐसे स्टोर होगा आपके पास 0 इंडेक्स पे ए पड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th इंडेक्स तक मेरे पास डाटा, यानी 0 से लेकर 7th इंडेक्स तक मेरे पास डाटा जा रहा होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये डाटा अगर कंजेक्टिव है, अगर मैं ए बी डी यू डब्ल्यू एच के करेक्टर्स को कंबाइन करूं तो ये एक्चुअली क्या ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये एक स्ट्रिंग बन जाती है, यानी जहां पे हमारे पास डाटा हमें एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करना होगा हम वहां पे करेक्टर टाइप एरे को यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरीके से आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर नहीं हो सकते, ये बात, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर नहीं हो सकते, इस चीज़ को जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तो वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, ये पॉइंट आपने अभी जहन में रखना है। दो पॉइंट्स मैंने आपसे कहे, एक जो मैंने अभी न्यूमेरिक डाटा टाइप के ऊपर जो हमने इनपुट आउटपुट की बात की वो जहन में रखिएगा, और एक जो अभी पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मुझे लेट से किसी जगह का एड्रेस स्टोर करना है तो फिर उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस में अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं, लेट से हम कहते हैं F9 इस्लामाबाद, तो F9 इस्लामाबाद के अंदर मेरे पास F और 9 अभी न्यूमेरिक है, यानी अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए भी मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्टर टाइप एरे का। अगर मैं करेक्टर टाइप एरे की डिक्लेरेशन की बात करूं तो डिक्लेरेशन एरे हमने दो तरह की डिस्कस की है, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक एरे की डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरीके से है जहां पे हम पहले सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डेटा टाइप के बाद एरे का नाम एंड फाइनली हम एरे का साइज देते हैं, ये आपके पास एक स्टैटिक एरे की क्रिएशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डायनामिक एरे की, तो डायनामिक एरे हमारे पास पॉइंटर्स की मदद से बनाई जाती है, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि डायनामिक एरे को हम किस तरह बना रहे हैं, पॉइंटर्स की मदद से, न्यू का कीवर्ड हमारे पास इस्तेमाल, दोनों केसेज में हमें जो मेमरीज मिलेंगी वो 10 मेमरीज मिल रही होंगी, कंजेक्टिव मेमरीज होंगी, यानी हर मेमरी सेल के अंदर मैं एक पर्टिकुलर करेक्टर को स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे को डिस्कस करूं तो उसी तरीके से जिस तरह हम इंटीजर टाइप एरे की इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, पर डिफरेंस क्या है, यहां पे मैं सिंगल कोटेशंस के अंदर मेंशन करूंगा। हाँ, अगर मैं सिंगल कोटेशंस के अंदर नहीं लिखता तो कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जिसको आस्की एज एन आस्की ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं एरे को डिस्कस करूं तो
AHMAD, मेरे पास ये इस तरीके से कंजेक्टिवली स्टोर होगा। अब अगर मैं इस डाटा को डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, सी आउट नेम ऑफ 0 1 2 3, जीरो इंडेक्स पे डाटा क्या पड़ा हुआ है, AHMAD, तो आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से इस चीज़ को हम लूप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं उसी बात पे वापस आता हूँ जो मैंने पहले कही थी कि इंटीजर टाइप की एरे के लिए हमें सी आउट की स्टेटमेंट या लिखनी पड़ती है लूप के अंदर। करेक्टर में ऐसा नहीं है, करेक्टर में हम कहते हैं करेक्टर टाइप एरे के ऊपर सी आउट का थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आ रहा है। वो कैसे कि मैं डायरेक्टली सी आउट अगर एरे का नाम मेंशन करूं, जबकि अगर इंटीजर टाइप के केस में करूंगा तो ये डिफरेंट बिहेव करेगा। AHMAD आपको प्रिंट हुआ और ये कुछ करेक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये करेक्टर्स आखिर है क्या? स्टूडेंट्स, जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्टर एरे के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, उस वक्त तक करेक्टर्स को प्रिंट करता रहता है मेमोरी के अंदर। ये सारे करेक्टर उस वक्त तक प्रिंट होंगे जब तक आपको नल करेक्टर नहीं मिल जाता। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस 8 के बाद हो सकता है मुझे मेमोरी में नल करेक्टर मिल गया हो। आपको आइडिया होगा कि ये 1x1 कैसे मूव कर रहा होगा। ये पॉइंटर है एक्चुअली, 1x1 एडिशन कर रहा होता है और आगे एड्रेसेस को एक्सेस कर रहा होगा। तो एक वक्त आएगा जहां पे इसको नल वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट इफ अगर हम इसकी इनिशियलाइजेशन थोड़ी सी चेंज कर दें, अगर मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर ही यहां पे नल वैल्यू को स्टोर कर दूं। नल वैल्यू आपके स्लैश जीरो के साथ करेक्टर जो है वो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी डेसिमल या इसकी आस्की वैल्यू जो है वो जीरो कहलाती है। अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं लूप अप्लाई करूं, नल मींस एम्प्टी, AHMAD आपके पास प्रिंट होगा, साथ ही एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गई। इसी तरह अगर मैं इसी चीज को स्टूडेंट्स लूप के अंदर लिखूंगा तब भी यही चीज आएगी। अब अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट में देख रहा हूं तब भी यही बात, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि सी आउट की स्टेटमेंट उस वक्त तक डाटा को प्रिंट कर रही होगी जब तक नल करेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। मतलब AHMAD को इसने प्रिंट किया होगा, कब तक प्रिंट किया होगा, नल। जो ही नल करेक्टर आया यहां पे ये स्टॉप कर जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। अगर मैं अपनी एरे के अंदर डाटा कुछ इस अंदाज से स्टोर करूं कि हमारे पास स्लैश जीरो की जगह मैं इस जीरो का इस्तेमाल करूं, तब भी इसका मतलब सेम होगा, या इस जीरो की जगह मैं NULL का इस्तेमाल करूं तब भी स्टूडेंट्स इस चीज का मतलब सेम है। यानी स्लैश जीरो, जीरो या नल, ये सारी की सारी चीजें आपके पास क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से अगर मैं लूप के अंदर बात करूं, लूप अप्लाई कर रहा हूं यहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, i=0, नेम ऑफ i इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोटेशन में बैकस्लैश जीरो या वैसे जीरो, ये आस्की पे काम कर रहा होगा, या नल करेक्टर, इन तीनों का मतलब सेम है। अब ये पहले क्या, कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। चेक करो जीरो इंडेक्स पे नल है नहीं, तो उस ए को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 इंडेक्स पे चेक करो नल है नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 इंडेक्स पे चेक करो नल है नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 3 इंडेक्स पे देखो नल है नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, यानी ये डाटा साथ साथ डिस्प्ले हो रहा होगा, 4th इंडेक्स पे देखो नल है नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, इसी तरीके से 5th इंडेक्स पे देखो नल है जी नल है, इसको स्टॉप कर दें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 ये तीनों आइडेंटिकल लिखे हैं, और सी आउट नेम के बैक एंड पे भी कुछ इस तरह का काम हो रहा होगा कि आप उस वक्त तक डाटा को प्रिंट करते जाएं जब तक आपको नल वैल्यू नहीं मिल जाती। अच्छा, अब हम अगर इसकी इनिशियलाइजेशन को चेंज करते हैं और हम नल करेक्टर किसी कहीं बीच में डिस्प्ले कर देते हैं, तो अगर मैं ये लूप अप्लाई कर रहा हूँ, इस लूप को देखें, यहाँ पे आपके ये सारे करेक्ट इंडेक्सेस को विजिट करेगा। जीरो इंडेक्स में देखा AHM, उसके बाद नल वैल्यू को एम्प्टी वैल्यू आ रही है और डी आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल करूंगा तो फर्स्ट नल करेक्टर तक डाटा प्रिंट करेगा, जो इसको पहला नल करेक्टर मिलेगा वहीं से ये लूप से टर्मिनेट कर देगा कुछ इस तरीके से। और सी आउट नेम के केस में भी हमारे पास यही आ रहा है, क्योंकि पहला नल नहीं है, नहीं है, नहीं है, और जहां पे थर्ड इंडेक्स पे नल वैल्यू मिलेगी वहीं पे ये खत्म हो जाएगा। यानी ये वाला पर्टिकुलर लूप और ये सी आउट नेम की स्टेटमेंट की आउटपुट सेम आएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनपुट को डिस्कस करूं, और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आपने ये तवज्जो से सुननी है। कैसे कि अगर मैं आई की वैल्यू जीरो स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ये लूप लिखा हुआ है सी इन नेम ऑफ जीरो, ये जीरो इंडेक्स पे ए प्रिंट करेगा फिर स्टोर करेगा। इसी तरह मैंने 1 इंडेक्स में इनपुट लिया, 1 <6>, ठीक है, 1 इंडेक्स पे एल स्टोर हो गया, फिर आई इंक्रीमेंट हुआ 2 2 <6>, बॉडी में आएगा, अब कहाँ पे डाटा स्टोर करेगा, नेम ऑफ 2 पे, यानी इस सेकंड इंडेक्स पे डाटा स्टोर हो रहा होगा आई। अब यहां तक मैं अपना डाटा इनपुट कर चुका हूं। अगर मैंने डाटा इनपुट कर लिया तो क्या इस लूप को मुझे आगे एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एक्चुअली, पर इस केस में मुझे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं इसके थर्ड इंडेक्स पे भी डाटा स्टोर करूं, फोर्थ इंडेक्स पे भी स्टोर करूं, फिफ्थ इंडेक्स पे भी स्टोर करूं। अब जो बात मैंने कही थी कि सी इन की स्टेटमेंट या सी आउट की स्टेटमेंट करेक्टर और इंटीजर में डिफर कर रही है, उसकी मेन रीजन ये है
स्टूडेंट करेक्टर टाइप एरे के अंदर, अब लेट से मैं कहता हूँ नेम है, अब नेम लाजमी नहीं है कि सिक्स करेक्टर पे हो सकता है सिक्स करेक्टर से कम पे हो सकता है सिक्स करेक्टर पे ज्यादा हो, पर ज्यादा पे प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इस वक्त हमने साइज सिक्स रखा हुआ है। अगर नेम आपका सिक्स करेक्टर्स पे है तो हम इनपुट लेते हैं, लेट से ये हमारी कंसोल विंडो है सी इन नेम, हम डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक चीज़ और कि सी इन डायरेक्टली आप लेंगे तो वो डायरेक्टली इनपुट लेगा, कैसे? सी इन की स्टेटमेंट करेक्टर एरे पे की प्रेस पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेस किया तो अब एक को कहाँ मूव होना चाहिए, कन्फर्म है कि जीरो इंडेक्स पे, क्यों? क्योंकि जीरो इंडेक्स पे मल्टीपल करेक्टर्स तो आ नहीं सकते। फिर मैंने एल एंटर किया, यहाँ पे आपके पास आ गया। फिर मैंने आई एंटर किया, कहाँ पे मूव हो गया, सेकंड इंडेक्स में, यानी जो जो मैं की प्रेस करता जा रहा हूँ वो इसमें प्लेस करता जा रहा है। जो ही मैंने एंटर की प्रेस किया स्लैश जीरो, यानी सी इन की स्टेटमेंट मेरे पास करेक्टर टाइप एरे में वैसे भी इस्तेमाल हो सकती है, मैं लूप को यू लूप नहीं अप्लाई करूंगा। सी आउट की स्टेटमेंट लूप के साथ भी लिख सकते हैं, लूप के बगैर भी लिख सकते हैं। लूप के बगैर हमें बताया मैंने अभी आपको कि कौन सी वैल्यू को वो प्रिंट कर रहा होगा। तो जो पॉइंट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया उसमें क्या था, हम किस तरह करेक्टर एरे को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, नल को, सी आउट की स्टेटमेंट नल को क्या ट्रीट कर रही होती है एज अ टर्मिनेटर, और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि सी इन और सी आउट का जो बिहेवियर है वो करेक्टर एरे और इंटीजर एरे में डिफर कर रहा है, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में भी हम करेक्टर एरे को मजीद डिस्कस कर रहे होंगे।